हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संगीत शिक्षा हिंदी में। मैं शिवम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आपने अलापचारी से पहचान लिया हो या अगर नहीं पहचाना तो मैं आपको बता दूँ, ये राग यमन है। तो आज हम राग चमन पर खास राग यमन पर सॉरी चर्चा करेंगे आज हम राग यमन पर कुछ खास चर्चा करेंगे राग यमन को कैसे समझे, इस पर आधारित गीतों को कैसे समझे, क्या चलन है राग यमन का और क्या स्वर संगतियाँ विशेष लगती हैं इसमें, वादी संवादी को ध्यान में रखते हुए इसके न्यास के स्वरों को ध्यान में रखते हुए उसके राग विस्तार करेंगे और राग विस्तार करना बताएंगे हम। तो इस वीडियो को पूरा देखें प्लीज़ और अपने व्यूज शेयर करें, गाने शेयर करें। फिर इसके अगले पार्ट में इस राग पर आधारित फिल्मी गीत हम आपको बताएंगे और कैसे इस राग को खूबसूरत बना सकते हैं अन्य स्वरों को छेड़कर, जो कि गानों में भी प्रयोग हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको भी रिमाइंड हो कि इसमें कौन कौन से गानों की रचना की गई है और इसके निकटवर्ती रागों का भी स्वरूप हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राग यमन। इसे मैं तीसरे सफ़ेद यानी कि ई नोट से गा रहा हूँ और ई मेजर की राग है, माइनर की नहीं है। और इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। और इसका चलन सबसे पहले बताऊंगा, नी से शुरू करते हैं, सा से नहीं। और सबसे पहले बताना चाहूँगा कि राग यमन कल्याण थाट का राग है, तो इसको कल्याण राग भी कहते हैं। और जब कल्याण का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले बता दूँ, आपको कन्फ्यूज़ ना हो, आपको मैं दोनों चीज़ क्लियर कर दूँ। कल्याण का जब जिक्र करते हैं हम तो इसमें सा से शुरू करते हैं, इस तरह से सा रे गा मा पा जब यमन करते हैं तो हम इसको सा को छोड़ के नी से इसका प्रारंभ करते हैं आरोह, नी रे गा मा धा नी सा, और पा को भी हम छोड़ देते हैं, सा नी धा पा, अवरोह में पा लेते हैं, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब राग यमन की चलन जो है विशेष, जो चलन इसका है स्वरूप है, जिसे हम पकड़ भी बोलते हैं, स्वर समुदाय जिसे राग का बोध होता है उसे पकड़ कहते हैं। तो पकड़ देखिए इसकी क्या है, नी रे गा पा मा गा रे सा, ये इसकी पकड़ है विशेषता जो लोग गाते हैं विशेषकर। अब पर इसकी पकड़ इस तरह से नहीं गाई जाती है, इसमें कुछ मीण का प्रयोग करते हैं, पा को स्पर्श करते हैं, देखिए कैसे लौटते समय करते हैं सा की तरह बढ़ते हुए, जैसे हमने गाया नी रे गा रे सा गा पा गा रे सा, इस तरह से गा रे सा गा पा गा रे सा, इस तरह से फिर देखिए पा उसको बजाएं भी और गाएं भी, इससे क्लियर होता है राग यमन हम गा रहे हैं। तो देखिए हल्का छोटा सा एक राग विस्तार करेंगे फिर और कुछ इसमें विशेष बताएंगे। इसका वादी संवादी में सबसे पहले बता दूं, राग विस्तार करते समय वादी संवादी और न्यास के स्वरों का विशेष ध्यान रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हम राग विस्तार करते हैं किसी भी राग का। इसका वादी संवादी है गंधार और निषाद, गा और नी, यानी कि सबसे ज्यादा स्टे हम गा और नी पर करेंगे और गा और नी को प्रबलता दिखाएंगे, जो कि इस राग की विशेषता है गंधार और निषाद की। उसके बाद इसके जो न्यास के स्वर है उस पर न्यास करेंगे, यानी स्टे कर सकते हैं हम, न्यास का मतलब ये होता है। तो न्यास, इसके न्यास के स्वर है सारे पा सारे गा पा नी, तो देखिए मंदर में भी आप करें थोड़ा सा मेरे गा पा
गर सनी की कोई लिमिट नहीं है, बस राग के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उसके स्वरूप को बिगड़ने ना दें, ये क्रिया राग विस्तार कहलाती है। आप कितनी भी देर कर सकते हैं, ये आपकी नॉलेज पर बेस है, आप कितना उस राग में विचरण कर सकते हैं, और राग में विचरण करना भी चाहिए क्योंकि आपको उससे रागों का बोध होता है, रागों को समझ में आना लगता है, आप उसमें रचना कर सकते हैं, गाने बजा सकते हैं, गाने निकाल सकते हैं, और कोई तरीका नहीं होता गाने निकालने का। देयर इज नो ट्रिक फॉर लर्न द सॉन्ग, दिस इज ओनली द बेसिक ट्रिक। रियाज, डू मोर रियाज एंड रियाज, और इसी में आप अलंकार बजा सकते हैं, आकार का वर्ग कर सकते हैं। देखिए, नी रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि स स नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे स आ इस तरह से। मेरा मोटिव बताने का सिर्फ यही है कि आप भी इसे खुद करें। अब देखिए इसका दूसरा पड़ाव, इसमें और सुंदरता कैसे ला सकते हैं जो गानों में यूज की गई है। सबसे पहले मैं इसकी निकटवर्ती राग जो है यमन कल्याण, यानी यमन और कल्याण दोनों का मिश्रण है, तो इसमें शुद्ध मा का प्रयोग होता है। देखिए कैसे, अवरोह क्रम में, जैसे हम चले नी रे गा गा म प भाग में करते हैं हम लोग, पा म प ग म ग रे सा, ये यमन है। और देखिए, और यमन कल्याण और उससे ज्यादा और खूबसूरती ला सकते हैं। देखिए कोमल धा का प्रयोग कैसे करते हैं, कुछ गानों में है जैसे कि अन्य रागों का मिश्रण अगर इसमें कर सकते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए, पर आप कुछ रचना कर रहे हो तब, अगर आप कोई राग डेफिनेट कर रहे हैं, राग यमन ही गा रहे हैं, तो आप राग यमन ही रखें, यमन कल्याण तक पहुंच सकते हैं, पर दूसरे अन्य स्वर विवादी स्वर नहीं छेड़ सकते हैं, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, राग का स्वरूप बिगड़ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कैसे, पा मा दा पा मा दा नी दा पा मा पा गा मा भी आप ले सकते हैं, पर ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आता है, ऐसा राग खंडित हो जाती है। और जो उसके स्वरूप में आसपास रहते हैं, यमन कल्याण जैसे हमने गाया
अविर्भाव कहलाता है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको अलग वीडियो बताऊंगा। एक राग से दूसरे राग में प्रवेश होना, उसके निकटवर्ती राग में, फिर उसके मूल राग में प्रवेश हो जाना दोबारा। तो इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। आई होप यू विल लाइक इट, सो प्लीज प्रैक्टिस इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। और इसके गाने अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।